काम आया और भारत के चुनावी इतिहास में आपको सबसे बड़ी जीत मिल गई है। 67 सीटों के साथ, रिकॉर्ड तोड़ 67 सीटों के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सीमित है और कांग्रेस और अन्य ने तो अपना खाता भी नहीं खोला है। 14 फरवरी को केजरीवाल शपथ लेने वाले हैं। उनका कहना है कि हर आम आदमी की जीत है। आपकी ओर से ये भी कहा गया है कि बीजेपी को हम जरूर देंगे विपक्ष का पद। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आई कि अरविंदर सिंह लवली और अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बड़ी जो एक बात रही वो ये भी थी कि बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी कृष्णानगर सीट नहीं बचा पाई। कृष्णानगर सीट पर उन्हें हार और अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बड़ी जो एक बात रही वो ये भी थी कि बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी कृष्णानगर सीट नहीं बचा पाई। कृष्णानगर सीट पर उन्हें हार नसीब हुई। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर इस वक्त सीमित नजर आई। तो अरविंद केजरीवाल को महाविजय तो मिल गई है, लेकिन इस महाविजय के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसे टटोलने की हम कोशिश कर रहे थे। 7 बड़ी वजह इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे। और वो 7 बड़ी वजहों पर यहां पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिलाल नकवी साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रवि शर्मा हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं और एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ है। पहली बड़ी वजह दीपक, अगर इस पर गौर करें कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही बड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। जब दूसरी पार्टियां दूसरे राज्यों के चुनाव लगी हुई थी, दूसरी चीजों में जुटी हुई थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर फोकस कर रही थी। क्या वहीं से उनकी स्ट्रेंथ शुरू हो गई थी? बिल्कुल वहीं से उनकी स्ट्रेंथ शुरू हुई। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के अंदर भी आम आदमी पार्टी भले से ही 7 सीटें हार गई हो, लेकिन उन 7 सीटों पर वो नंबर 2 की पोजीशन में रही होगी, उसे बहुत बड़ा धक्का जरूर लगा था लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी नेता उनके चुनाव हार गए थे। कई पूरे देश में उनकी जमानत जब्त हुई थी दिल्ली को छोड़कर, लेकिन पार्टी हारी नहीं। लोकसभा चुनाव से उसने दिल्ली को छोड़कर कहीं भी चुनाव लड़ने से तौबा कर ली। वो ना हरियाणा में लड़े, ना महाराष्ट्र के अंदर लड़े, ना झारखंड के अंदर लड़े, ना जम्मू कश्मीर के अंदर लड़े। उन्होंने तौबा कर ली चुनाव लड़ने से और उनका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली था। दिल्ली में उन्होंने घर घर जाकर मेहनत की, अपने वॉलंटियर्स की फौज खड़ी की। जब 9 महीने भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों की चुनाव में व्यस्त थी, जाहिर सी बात है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी, तब दिल्ली की बीजेपी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तब दिल्ली की बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, नरेंद्र मोदी के जादू के सारे रही। वहीं आम आदमी पार्टी घर घर जाकर पब्लिक मीटिंग करके, दिल्ली डायलॉग करके, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सरकार छोड़ने के लिए माफी मांग के, नुक्कड़ सभाएं करके, पब्लिक अवेयरनेस करके अपने लिए जड़े बनाते रहे, जगह बनाते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा आम आदमी पार्टी की जीत के लिए। जी हिलाल नकवी साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि उनके पास समय बहुत था दिल्ली में प्लानिंग करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए, घर घर जाने के लिए, गली गली जाने के लिए, अलग अलग तरह के प्रयोग करके लोगों को लुभाने के लिए, उन्हें उनका दिल जीतने के लिए बहुत वक्त उनके पास था। यह एक बड़ी वजह थी कि उनको इस तरह की जीत मिली। देखिए, जहां तक कि जीतने का सवाल उठता है तो यह कहा जाता है कि जीतने का कोई एक कारण नहीं होता है। निश्चित रूप से यह बड़ा कारण था कि जिस तरह से नवंबर दिसंबर के सर्वे दिखा रहे थे और जहां के ऊपर आम आदमी पार्टी मौजूद थी, उससे लेकर के 2 महीने के अंदर जिस तरह से कायाकल्प हुई है, वो निश्चित रूप से दिखाता है कि इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की गई है और लोगों ने जाकर के, उन्होंने घर घर पे जाकर के अपनी बातों को कहा है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपनी बातों को बताया, जो उन्होंने अपने वादों को बताया है, लोग उसको से कन्विंस हुए हैं। देखिए, ये सारी बातें जो है ये कांग्रेस ने भी कही है, कांग्रेस ने भी अपनी मैनिफेस्टो में कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल हो गए अपनी बात को बताने में। जनता जो है उस पर विश्वास उस तरह से नहीं कर पाई जिस प्रकार से केजरीवाल की बात पे विश्वास कर पाई है। तो निश्चित रूप से शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था। ये महाविजय की पहली बड़ी वजह नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी उनके ऊपर हिलाल नकवी साहब आपके पास वापस लौटूंगी, दूसरी बड़ी वजह पे बात कर लेते हैं। दीपक, 49 दिन की सरकार बनाई और उसके बाद इस्तीफा दे दिया, लोग भगौड़ा कहने लगे, तमाम तरह की बातें अरविंद केजरीवाल को कहने लगे कि वो तो टिककर सरकार चला ही नहीं सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल आम आदमी बनकर बार बार माफी मांगी। जब जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने कहा मेरी गलती थी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। क्या इससे वो जनता के साथ जुड़े?
बिल्कुल जनता के साथ जुड़े। देखिए केजरीवाल ने जब सरकार बनाई थी और 18 पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने पत्र लिखा था, कांग्रेस को भी पत्र लिखा था, कांग्रेस ने पलटकर जवाब दिया था और उन 18 पॉइंट को लेकर कांग्रेस ने बकायदा आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था और समर्थन के साथ एक सरकार बनी थी जो 49 दिनों तक चल पाई थी। समर्थन के लिए बकायदा अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक मीटिंग की थी और लोगों ने यह कहा था कि हाँ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से समर्थन ले लेना चाहिए, यह कम से कम अरविंद केजरीवाल का दावा था। लेकिन उन्होंने जब सरकार छोड़ी तो ना पब्लिक मीटिंग की, ना पब्लिक से बात की, ना कोई डायलॉग किया, एकाएक उन्होंने जन लोकपाल के मुद्दे पर सरकार छोड़ दी। इस बात पे भी कॉन्ट्रोवर्सी होती रही कि जन लोकपाल का जो वो विधेयक लेकर आए वो क्या कानून सम्मत था या वो क्या नियमों के अनुसार था। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो था, लेकिन जानकार मानते हैं कि वो नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने पब्लिक से राय नहीं ली। जब इस मुद्दे पर वो कॉर्नर होने लगे, लोग उन्हें भगोड़ा कहने लगे, तो अरविंद केजरीवाल ने एक बेचारी अपनी छवि बनाई, एक लाचारगी वाली छवि बनाई, ये कहा कि उनको कांग्रेस बीजेपी ने कॉर्नर किया लेकिन अपनी गलती मान ली, अपनी भूल मान ली, और उसी चीज को, उसी भगोड़ा इमेज को एक लाचार बेचारे आम आदमी में परिवर्तित किया और कहा मुझे उतनी समझ नहीं थी, और जनता उस बात को एक्सेप्ट करने लगी। तो जितना उनको भगोड़ा कहा जाता रहा उसको उतना वो अपने पक्ष में भुनाते रहे। एक आम आदमी की, एक बेचारे शख्स की, एक ऐसे शख्स की जिसको राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं, उस इमेज को वो भुनाते चले गए और वही भगोड़े की इमेज को उन्होंने 5 साल केजरीवाल में कन्वर्ट किया तान्या। और कम्युनिकेशन का ऐसा स्किल उनके पास है कि हर बार वो, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप सरकार छोड़ के भाग गए, तो उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन का स्किल उनके पास था। और इसी कम्युनिकेशन के स्किल की वजह से क्या इस वक्त रवि आपके पीछे जो हम भीड़ देख रहे हैं वो नजर आ रही है, क्या धीरे धीरे लोग केजरीवाल से इसीलिए जुड़ते चले गए क्योंकि उनकी जो आम आदमी की इमेज थी वो उनके माफी मांगने में, उनके जिस तरह से वो सड़कों पर निकलते थे और बातचीत करते थे, जिस तरह से इंटरव्यूज देते थे, लोगों को सचमुच लग रहा था कि हाँ ये आम आदमी है, ये हम लोगों के बीच से उठा हुआ आदमी है, हमें इसका समर्थन करना चाहिए, क्या ये एक बड़ी वजह है आपके पीछे की भीड़ के? ये चित्रा मैं आपको इससे तो पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो विजय का जश्न देख रहा हूँ मैं, ये अब तक मैंने जितने भी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव जीतने के बाद जश्न देखे हैं उससे काफी हद तक अलग दिखाई दे रहा है। आमतौर पर जब पार्टियां जीतती हैं तो हलवाई बैठा दिया जाता है, लड्डू बनने लगते हैं, एक रात पहले से ही फूलमालाएं एक दूसरे को गले में डाली जाती हैं नेताओं की, और छोटे बड़े सब नेता सामने आकर जीत की जैसे कहीं जश्न मनाने का दिखावा करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है, आतिशबाजी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक सादगी दिखाई दे रही है, और यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि नेता भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बस ये कार्यकर्ता है अपनी जगह पर जो जमे हुए हैं, और शायद ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दहला रही होंगी, क्योंकि भीड़ में डेडिकेशन दिखता है, वो डेडिकेशन जो एक आदमी के पीछे इनको इकट्ठा करता है, इस एक आदमी के नाम पर जो इनको पूरा दिन नचा सकता है। ये भूखे प्यासे हैं, यहाँ पर कोई लंच तो छोड़ दीजिए, मैं जैसा कि मैंने बताया मिठाई तक का इंतजाम नहीं है, लेकिन ये लोग अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि एक शख्स के पीछे ये किस कदर लामबंद हो सकते हैं। तो एक तो ये बात है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये जादू आखिर केजरीवाल का इन पर चला कैसे। तो बीते 9 महीने जबकि बीजेपी ये सोचकर बैठी हुई थी कि मोदी का जादू चल रहा है, एक के बाद एक जो राज्य हैं उनके हाथ आते जा रहे हैं, उनका विजय पताका लहराती जा रही है, और दिल्ली तो बहुत आसानी से वो जीत लेंगे क्योंकि मोदी तो दिल्ली आ ही चुके हैं और दिल्ली में है ही। लेकिन इसी बीच में जब ये पार्टी ये इन कार्यकर्ताओं को जोड़ रही थी, युवाओं से मिल रही थी, युवाओं को संगठन से जोड़ रही थी, और जोड़ने के साथ साथ इन युवाओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस ब्लॉक को देखेंगे, आप इस गली को देखेंगे, आप इस स्कूल को, आप इस कॉलेज को देखेंगे, ये चमत्कार एक रात का नहीं है, अभी दीपक जी जैसा बता रहे थे 9 महीने का अथक प्रयास है, और अंडर करंट जिसे कोई नहीं समझ सका वो मेहनत, वो परिश्रम लगातार जारी था, और आज कह सकते हैं कि एक डेडिकेटेड टीम हजारों वॉलंटियर्स की जो है वो मौजूद है केजरीवाल के साथ में, और डेडिकेशन किसी को भी हैरत में डाल सकता है, खासकर विरोधी पार्टियों को तो परेशानी में भी डाल सकता है। बिल्कुल, चलिए कोई नेता इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और साथ ही झाड़ू भी लहराई जा रही है और जमकर जश्न मनाया जा रहा है। इसके बाद दीपक जी ये बताइए कि आप कितने खुश हैं, आपके इंटरव्यू का एक हिस्सा मैं आपको सुनाती हूँ अरविंद केजरीवाल को, अब आपको डिनर देना पड़ेगा, पहले इंटरव्यू का हिस्सा सुनते फिर आपसे पूछेंगे।
आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है? बिल्कुल जीरो सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से, नहीं लिख के देता हूँ, लिख के दीजिए आप, बिल्कुल लिख के दीजिए और मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा, साइन करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस की जीरो सीट आ रही है, इसीलिए दिल्ली की जनता से अपील है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। तो ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ये लिख के दिया बल्कि दीपक जी के साथ बाकायदा शर्त भी लगी थी, और शर्त ये लगी थी कि अगर बिल्कुल खाता नहीं खुलता है कांग्रेस का, यानी कि जीरो सीटें आती है, तो दीपक जी अरविंद केजरीवाल को डिनर पर लेकर जाएंगे, और अगर खाता खुल जाता है तो अरविंद केजरीवाल दीपक जी को डिनर पर लेकर जाएंगे। तो दीपक जी बताइए कि कहां ले जा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री होने वाले हैं अब दिल्ली के, उन्हें डिनर पर कहां ले जाएंगे? देखिए डिनर पे अरविंद जहां बोलेंगे मैं उनको ले जाऊंगा, क्योंकि इस शर्त को मैं हार चुका हूं और इस हार को मैं स्वीकार करता हूं। मैं पॉलिटिशियंस की भाषा बोल रहा हूं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनको डिनर पे ले जाने की, क्योंकि मैं नहीं मानता था कि कांग्रेस की जीरो सीटें आएंगी। मुझे इस बात को लेकर मैं काफी कन्विंस था कि कांग्रेस के कई सारे हैवीवेट चुनाव लड़ रहे थे, अजय माखन जी लड़ रहे थे, महाबल मिश्रा लड़ रहे थे, शोएब इकबाल लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट से, हारून यूसुफ लड़ रहे थे, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, महाबल मिश्रा लड़ रहे थे, जो खुद हैवीवेट माने जाते हैं, अपने इलाके के कद्दावर नेता माने जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि ये इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जीरो सीटें मिलेंगी, कम से कम एक सीट तो मिलती, इतनी बुरी गत कांग्रेस की हो जाएगी, कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी और बीजेपी लुप्त हो जाएगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। मैं हिलाल नकवी से यही जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने 2013 के इलेक्शन को हारने के बाद यह कहा था कि वो आम आदमी पार्टी से सीखेंगे, अब तो 8 से आप जीरो पर आ गए, विलुप्त हो गए आप, ये कहां से सीखा? ये राहुल गांधी ने क्या अरविंद केजरीवाल से सीखा है कि वो जीतते जाएं और हम हारते जाएं? दीपक जी कांग्रेस कहीं भी विलुप्त नहीं हुई है, हां हमारे कैंडिडेट जरूर हार गए हैं, हम जो है वो यहां पर जनता के पास अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, जनता हमारी बात से कन्विंस नहीं हो पाई है, और देखिए अब अगला इलेक्शन जो होगा उसके अंदर हम शायद बगैर किसी बैगेज के जाएंगे। जो पिछला इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो 15 साल की हमारी राज्य की सरकार थी, 10 साल की जो केंद्र की सरकार थी, हम समझते थे कि उसका जो एंटी इनकम्बेंसी है वो समाप्त हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हुआ ये कि कांग्रेस अपनी एंटी इनकम्बेंसी में दब गई और भारतीय जनता पार्टी का 8 महीने में वही एंटी इनकम्बेंसी हो गया, बल्कि उससे भी ज्यादा उनका एंटी इनकम्बेंसी हो गया है। निश्चित रूप से यह हैरान कर देने वाले रिजल्ट है। बिल्कुल। और यहाँ पे दीपक जी एक बात और महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा जी। ये जो नतीजे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए चिंता का विषय है। हम लोगों के लिए चिंता का विषय यह है कि जनता ने हमें नकार दिया, और आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय यह है कि जो उन्होंने कहा उसको जनता ने बिना कॉमा फुल स्टॉप के स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से इनको डिलीवरी देनी होगी। बिल्कुल डिलीवरी देनी होगी, दिल्ली की जनता डिलीवरी मांगेगी और 5 साल में डिलीवरी देनी होगी। हिलाल नकवी साहब आपके पास मैं वापस लाऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद फॉरन